जी हाँ, फाइनली ये होने जा रहा है जो भी आप लोगों ने टाइटल थंबनेल यहाँ पे देखा है, इंडिया सवर के लेजेंड वर्सेस बीना सवर के लेजेंड। हर एक फ्री फायर प्लेयर चाहता है कि भाई वो ये फाइट देखे और लंबे टाइम से वेट कर रहा है, 3-4 साल से। फाइनली द वेट इज ओवर और ये बैटल आपको देखने के लिए मिलेगा, बट मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ये वीडियो पहले मैं गाइज मैचेस से पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक यू सो मच, आज तक आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट ये एनजी फैमिली को यहाँ पे दिया है, जितने भी हमारे भाई लोग हैं 32 लाख प्लस लेजेंड्स और जो भी यहाँ पे प्लेयर्स ने खेला है, इन सब के लिए वो भी अलग ही लेवल, थैंक्स। क्योंकि देखा जाए तो भाई ये जो इनविटेशन मिला है यहाँ पे मीना सवर के लेजेंड्स के अगेंस्ट खेलने का, वो कहीं ना कहीं पिछला कुछ जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी मैटर करता है, क्योंकि लास्ट 2-3 टूर्नामेंट जीते हैं, जिसमें से अगर लास्ट की बात की जाए तो वर्ल्ड कप जिसमें ब्राजील सर्वर तक की भी टीमें थी वहां पे भी वो हम लोगों ने जीता है, बट वो सब आप लोगों की बदौलत की हमेशा से आप लोगों का सपोर्ट रहा है। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू। और अब एक ऐतिहासिक यहाँ पे मैच होने वाला है जिसका हर कोई यहाँ पे वेट कर रहा है बेसब्री से। तो मैं बता दूं मीना सर्वर से कौन कौन खेलने वाला है, वो होने वाले गाइस वाइट 444 विंसेंट जो साइब्लस और मोरो, और इंडियन सर्वर से जो खेलने वाले हैं वो खेलने वाली अपनी NG1 जिसमें स्मूथ बादल तूफान नोटा खतरी यहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ नहीं पता है भाई अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंट्रो मैंने पहले रिकॉर्ड किया, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, लेजेंडरी मैच, और इंट्रो भाई पहले रिकॉर्ड कर दिया था मैंने, बट ग्रीन स्क्रीन से किया था तो पीछे क्लिप लगा दी होगी मैंने कि कहां पे हम दोनों बैठ के लाइव कर रहे थे। वासिमोज ने ऑर्गेनाइज कराया था कि एक तरफ होंगे मीना के लेजेंड जिसमें विंसेंजो M8N White 444 साइब्लस और एक तरफ से NG, यहां पे क्या डिफीट इनको कर पाएगी। और पहली बात तो ये कि आप लोगों को पता चल चुका होगा भाई किसने किसको डिफीट किया, बट कैसे, और देखते हैं जिसने भी ये गेम रिकॉर्ड किया किस किस को दिखाया है कैसे हुआ है। चलिए बढ़ते हैं यहां पे, ये फर्स्ट गेम है गाइस, और अगर आप लोग 50 के लाइक्स करते हो तो मैं बाकी मैचेस भी डालूंगा। BO3 यहां पे मैच हुआ था, स्कोर मैं भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, और किसी ने भाई लास्ट गेम में गद्दारी भी कर दी है वो तुम समझ गए होंगे किसने की है, बट चलिए फर्स्ट गेम देखते हैं यहां पे। और बिल्कुल सीरियस मैच है, नो म्यूजिक नथिंग। ओके बादल यहां पे आ गए हैं, देखा जाए तो भाई काफी खतरनाक प्लेयर्स है मीना के माने जाते हैं, और माने जाते हैं कि आप सारे प्लेयर्स ठीक है क्योंकि सब प्लेयर्स के राउंड में स्टार्टिंग में खेले हैं, बट वाइट 444 की बात की जाए। ओहो चलिए तूफान नॉक करते हुए यहाँ पे स्मूथ थोड़ा सगे बढ़ते हुए, सी तूफान भी लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं और शायद रश कर रहे हैं यहाँ पे, बट धीरे धीरे पता चल जाएगा भाई किसने कैसा खेला है टोटल 3 मैचेस में। और ओके वाइट 444 यहाँ पे नॉक, तूफान यहाँ पे बिल्कुल घुस गए हैं फाइट में, और देखते ही देखते 3 प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके, एक लास्ट प्लेयर बचे। बिल्कुल मुंह पे मारा है और लास्ट में पहला राउंड स्कोर हो चुका है 1-0। चलिए बढ़ेंगे गाइस एक और राउंड की तरफ, पहला राउंड यहां पे निकाल लिया है और भाई इससे ग्रेटेस्ट मैच कुछ यहां पे नहीं हो सकता आई थिंक। ओ बट तूफान यहां पे नॉक, और नॉक यहां पे वाइट 444, बट ये राइट हैंड साइड यहां पे थे तूफान को शायद यहां पे पता नहीं चला पोजीशन का, और देखते देखते भाई M8N भी एक प्लेयर को नॉक करते हुए, अब यहां पे बचते हैं 2 प्लेयर। M8N फिर से आगे बढ़ते हुए, Let's see, 2v4 यहाँ पे सिचुएशन। ओके भाई इस बार साइब्लस फिनिश करेंगे, एक अकेले प्लेयर बचे हैं, वो होने वाले यहाँ पे नॉट एक्सेड। ओके और देखते देखते इस बार वाइट का डबल किल यहाँ पे आता हुआ, स्कोर हो चुका है 1-0। ओके इस राउंड में वाइट को देखा जा रहा है, ओ विंसेंट से यहाँ पे डैमेज। चलिए साइब्लस है, साइब्लस की बात की जाए तो भाई इनका स्पीड वगैरह सारी चीज हम लोगों ने देखी है, ये बंदे का स्पीड बहुत जबरदस्त होता है विंसेंजो का भी। और तूफान यहाँ पे नॉक, पहला नॉक यहाँ पे आता हुआ, जी हाँ ग्लूवॉल लगा दिया बट वॉल ब्रेक की जा रही है और दोबारा से नॉक हो गए वहां पे। स्मूथ की बात की जाए थोड़ा पीछे आए जरूर है। ओके स्टिल भाई दोनों तीनों प्लेयर रश करते हुए यहाँ पे, ओके भाई 444 की बात की जाए एक और प्लेयर को नॉक, और भाई उधर से भी यहाँ पे हेड शॉट, काफी कमाल का हेड पड़ा है यहाँ पे स्मूथ की तरफ से। रिवाइव यहां पे दिया जा रहा है, रिवाइव यहां पे हो चुके हैं और भाई टीम के पास अब मैन एडवांटेज, और देखते देखते एक और प्लेयर को नॉक करते हुए, भाई ये क्या क्वाड्रा यहां पे लगाते हुए, बट बर...
गाइस अब बढ़ते हैं यहाँ पे एक और राउंड की तरफ। स्कोर हो चुका है यहाँ पे 1-2 के। बादल भी रश करते हुए दोनों फिर एक साथ हैं। और चलिए ओके, बादल कहाँ यहाँ पे इस बार ओनली रेड एक्सेमेट से, और तीन प्लेयर यहाँ पे नॉक। अब अकेले प्लेयर यहाँ पे, एक लास्ट प्लेयर, उसको भी फिनिश किया जाएगा। और स्मूथ का आता हुआ इस बार डबल किल और स्कोर 2-2। इस बार तो दोनों ही टीमें बिल्कुल आमने सामने। भाई कोई प्लेयर राइट हैंड साइड देख जरूर रहे हैं, बादल भी पीछे हैं। शायद थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे एक दूसरे की ओपोनेंट्स की जानना चाहते हैं, बट अभी तक किसी को कोई आइडिया यहाँ पे नहीं है। टूल यहाँ पे इसको की बात की जाए, पीछे शॉट्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा विंडो के पास शॉट लिए जा रहे हैं। और विंसेंजो, विंसेंजो यहाँ पे करेंगे तूफान को यहाँ पे नॉक। स्मूथ यहाँ पे पीछे है जरूर, नोटा अंदर फंसे, नोटा भी हो चुके नॉक, और बादल भी यहाँ पे नॉक, यानी कि आई थिंक साइबलस यहाँ पे दोनों प्लेयर को नॉक करते हुए। और अब बचते यहाँ पे स्मूथ लास्ट प्लेयर 7v4। चलिए मिस इस बार यहाँ पे होता हुआ, अरे एक प्यारा सा हेडशॉट लास्ट प्लेयर, और साइबलस का इस बार आता हुआ ट्रिपल किल। स्कोर हो चुका है 2-3। ओके हियर वी गो गाइस, एक और राउंड ऑब्जर्वेटरी का, और 6 फिनिश यहाँ पे वाइट कर चुका है 4 साइबलस। अपनी तरफ से बात की जाए तो 3 बादल और 3 यहाँ पे स्मूथ। हियर वी गो, सेंटर में है यहाँ पे स्मूथ, राइट हैंड साइड बादल, नहीं नहीं राइट हैंड साइड है तूफान यहाँ पे। लेट्स सी हियर वी गो, बादल की बात की जाए तो बादल भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। देखते भाई पहला नॉक किसकी तरफ से आता है, दोनों टीमें बिल्कुल इंटेंस यहाँ पे गेम बन चुका है। क्या चांस लेंगे यहाँ पे, एक प्लेयर को ऊपर जाते हुए भी देखा है। लेट्स सी वाइट की बात की जाए तो राइट हैंड साइड से घूम के आते हुए यहाँ पे घर के ऊपर हैं, विंसेंजो भी बिल्कुल राइट हैंड साइड। चलिए साइबलस ने एक बॉल डाली, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे साइबलस, और लीजिए बादल करेंगे पहला नॉक यहाँ पे लेंगे। अरे 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 क्या ही डैमेज यहाँ पे पड़ा है बादल को भी। चलिए व्हाइट 444 रिवाइव कर रहे हैं, बट क्या रिवाइव हो पाएंगे यहाँ पे, रिवाइव हो चुके हैं बड़ी सी बीच। एमएटेन यहाँ पे नॉक, और देखते देखते भाई बादल ने क्या हेडशॉट लगाया व्हाइट को, बट बादल भी यहाँ पे नॉक, और स्क्वाड यहाँ पे वाइप आउट करते हुए एनजी स्कोर हो चुके हैं 3-3। और इस राउंड की बात की जाए तो भाई चारों प्लेयर बिल्कुल चिपक के खेल रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, चारों प्लेयर बिल्कुल एक साथ, और राउंड भी कुछ ऐसे जा रहे हैं। एक राउंड यहाँ पे इंडियन सर्वर के लेजेंड्स निकाल रहे हैं, एक यहाँ पे मीना लेजेंड्स। ओहो भाई किसका है, स्मूथ का यहाँ पे हेडशॉट, और टीम यहाँ पे रश करती हुई पहला नॉक। स्ट्रेटजी की बात की जाए तो वही है कि भाई पहला नॉक निकालो, और देखते देखते दो प्लेयर फिनिश, के दो प्लेयर यहाँ पे बचे हैं। क्या यहाँ पे रश करेंगे, रश किया जा रहा है, बट एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं, स्मूथ यहाँ पे नॉक। लेट्स सी बादल आगे बढ़ के क्या चांस लेंगे, रिवाइव किया जा रहा है स्मूथ को, इसलिए शायद थोड़ा सा वेट कर रहे हैं अभी। शॉट यहाँ पे मिस होते हुए, लेट्स गो 2v4। राइट की बात की जाए तो जोन में एंट्री यहाँ पे करते हुए, और आई थिंक विंसेंजो भी यहाँ पे जोन में जा रहे हैं। 2v4 सिचुएशन, व्हाइट के सामने प्लेयर है, कनेक्शन नहीं कवर में रहने का, बट बादल का ये हेडशॉट, और बादल दोनों ही प्लेयर को फिनिश करते हुए यहाँ पे 4-3 यहाँ पे इसको। ये एक राउंड यहाँ पे मीना, फिर एक राउंड यहाँ पे एनजी, 6 फिनिश यहाँ पे निकाल चुके हैं। विंसेंजो की बात की जाए तो एक फिनिश, और उधर से बादल 8 फिनिश। पिछले दोनों हम लोगों ने हेडशॉट देखे हैं लास्ट राउंड में, क्या ही लगाए थे वहां पे बादल ने। साइबलस भी क्लोज में, क्या लगता है बहुत सोच समझ के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। बादल के सामने प्लेयर,
और इसी बीच नोटा यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। जी हाँ, नोटा नॉक है, एक और प्लेयर है और तूफान का यह हेडशॉट तूफान का दोनों प्लेयर को नॉक कर देंगे। बहुत ही प्यारा, जी हाँ बहुत जबरदस्त। और देखते देखते अब यहाँ पे जो लीड है वो दो राउंड्स की आ चुकी है 5-3 यहाँ पे इसको। और इमनाम का विलेज 5-3 यहाँ पे स्कोर हो चुका है। बादल यहाँ पे 10 के लिए यहाँ पे कर चुके हैं, यानी कि डबल डिजिट में एंट्री मार चुके हैं यहाँ पे। और तूफान यहाँ पे वाइट को नॉक करते हुए, भाई क्या हेडशॉट लगा है, बट साइबलस ने तूफान को नॉक कर दिया इसी बीच। अब देखना पड़ेगा भाई तूफान को रिवाइव किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टी यहाँ पे पड़ चुकी है। चलिए 5-3 यहाँ पे वाइट रिवाइव हो चुके हैं भाई फिर से यहाँ पे 100 का, बट कहीं ना कहीं काफी सही खेलते हुए। और साइबलस का भी ये हेडशॉट, और अब मीना सवा के पास यहाँ पे देखते ही देखते भाई दो प्लेयर को फिनिश कर दिया है। सिर्फ दो प्लेयर्स बचे हैं और अब अकेले प्लेयर आई थिंक बादल बचे हैं यहाँ पे। कनेक्शन मिस जरूर हुए वाइट ट्रिपल फोर की तरफ से, और फिनिश करते हुए कम बैक यहाँ पे आता हुआ 5-4 यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं एक और राउंड की तरफ, और बात की जाए तो भाई अभी तो बंदे ने कुछ लगाया नहीं है, पेयर ही दिख रहा है, प्रोपल जैसे रिकॉइल होती है सारी चीजें यहाँ पे। एक राउंड में क्वाड्रा भी मारा है, वो अच्छा क्लच किया है बहुत सही यहाँ पे। ओके ये फर्स्ट गेम है अभी, इसके बाद में दो और मैचेस होंगे तो वो भी एपिसोड में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, आप लोग बताना करना है कि नहीं। और तूफान नॉक हुए थे बट रिवाइव मिल गया है। विंसेंजो की बात की जाए, क्लोज में विंसेंजो वन टैप का ट्राई कर रहे हैं, क्या वो कनेक्शन बनाएंगे यहाँ पे। और देखते देखते एमेटन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, और एमेटन नोटा भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, दो प्लेयर नॉक हो चुके हैं अब यहाँ पे मीना सवर की टीम से। और देखते देखते भाई स्मूथ यहाँ पे नॉक, और सिचुएशन अब बिल्कुल चेंज 2v2 यहाँ पे। आई थिंक साइबलस को क्या रिवाइव दे पाएंगे। दोनों प्लेयर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, वी गॉट 2v2 यहाँ पे बैटल। चलिए नोटा यहाँ पे आते हुए दो फिनिश यहाँ पे नोटा, क्या ये 2v2 निकाल पाएंगे, एक कौन सा प्लेयर यहाँ पे पहला नॉक निकालेगा। बादल बिल्कुल टच में नजर आ रहे हैं, 11 फिनिश, नोटा ऑलरेडी पहुंच गए वहां पे। जी हाँ, और वाइट यहाँ पे नॉक करते हुए नोटा को, अब अकेले प्लेयर यहाँ पे बचेंगे वो होने वाले यहाँ पे बादल। Okay, let's go. बादल सामने आए जरूर हैं, अब पीछे पर स्कोपिंग करके, और विंसेंजो ने यहाँ पे फिनिश कर दिया। गाइस एक बार फिर से गेम यहाँ पे भाई 5-5 यहाँ पे हो चुका है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस गेम नजर आ रहा है। और इधर से भाई स्मूथ थोड़ा सा शांत हम लोग नजर आ रहे हैं। स्मूथ की बात की जाए तो भाई काफी शांत आज के दिन। ओके बादल को एक शॉट पड़ा जरूर है, चारों प्लेयर अलग अलग जगह हैं और अंदर से भी आ रहे हैं कनेक्शन, और शॉट लेने का ट्राई किया जरूर था बट शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए। ओके और नोटा यहाँ पे नॉक निकालते हुए, साइबलस को नॉक किया बट नोटा भी नॉक हो चुके हैं। बादल क्या जाते हुए नॉक ले सकते हैं, नहीं, फिनिश कर दिया जाएगा यहाँ पे नोटा को, और विंसेंजो यहाँ पे फिनिश करेंगे नॉट एक्सेड को। सिचुएशन अब 3v4, यहाँ एनजी लग रहा है धीरे धीरे, क्या गेम को हाथ से गवा रही है यहाँ पे, क्योंकि पहला नॉक नोटा ने निकाला था लेकिन अब खुद ही नोटा अपने आपको गवा चुके हैं। और मीना सर्वर की टीम भाई चारों प्लेयर्स यहाँ पे उनके अलाई में गेम के अंदर। लीजिए भाई यहाँ पे, ओके प्लेयर को इधर से भी नॉक किया गया है बट बादल भी नॉक हो चुके हैं। बादल ने वाइट को नॉक किया था बट खुद भी वहां पे साइबलस को फिनिश था। जी हाँ, साइबलस का वो डेजर्ट ईगल का हेडशॉट था, दो ही मात्र प्लेयर बचे हैं। 2v3 यहाँ पे सिचुएशन, साइबलस आगे बढ़ते हुए डैमेज काफी ज्यादा दिया जरूर है तूफान, काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे, और स्मूथ यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, और साइबलस का भी ये हेडशॉट। और अब बैक टू बैक भाई राउंड्स यहाँ पे निकालते जा रहे हैं मीना सवर की टीम। चलिए लेट्स सी क्या एनजी कमबैक यहाँ पे कर पाएगी। ओ स्मूथ यहाँ पे नॉक, तूफानी विंसेंसो को नॉक कर दिया,
बट मेरे को लग रहा है दोनों तरफ से रिवाइव हो जाएंगे प्लेयर, शायद विंसेंजो को रिवाइव या फिर फिनिश, और वाइड भी नॉक होते हुए। नोटा भाई ये कहां से मारा है भाई, ये तो यहां पे दिखाई नहीं है, और स्मूथ का भी ये नॉक आता हुआ, और देखते देखते फिनिश, बट बादल तेरा फिनिश बहुत ही प्यारा, और भाई मानना पड़ेगा बादल क्या खेल रहे हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं गाइस एक और राउंड की तरफ, सिक्स ऑल यहाँ पे इसको बात की जाए तो भाई वाइट ने नो फिनिश निकाली है, विंसेंट जो छह, ये राउंड तो ऐसा है भाई या तो आर पार फाइट होगी, बार फिर से स्कोर सिक्स ऑल। चलिए हियर वी गो, बादल थोड़ा सा क्लोज आते हुए, बादल ही कहीं नहीं के रिस्क लेंगे, चांस बनाएंगे और फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं भाई, तेरा फिनिश यहाँ पे, और बहुत सारे बंदे बोल रहे थे भाई मैच होने से पहले कि भाई बादल को रिप्लेस कर दो भाई, बादल अच्छा नहीं है भाई। बादल ने क्या जवाब दिया उन प्लेयर्स को, तेरा फिनिश इस लेजेंडरी मैच में। ये तीनों चारों प्लेयर क्या जंप करके जंप किया जरूर है नोटा ने, और नोटा ने एमेडन को नॉक भी कर दिया है, शायद पहले फिनिश करेंगे, ये रश काम किया है, बट तूफान तूफान की बात की जाए ग्लू वॉल के अंदर फंसे हैं, और वहां पे जी हाँ देखते देखते व्हाइट यहाँ पे फिनिश करते हुए, अकेले प्लेयर यहाँ पे बाकी है व्हाइट ट्रिपल फोर, और सिचुएशन शायद 1v3 हो जाए, क्या प्लेयर रिवाइव हो जाएंगे। ओके चलिए अभी तक रिवाइव मिला नहीं है यहाँ पे, और अब जाके रिवाइव हो चुके हैं 1v3 अब। ओके यह भी व्हाइट ट्रिपल फोर के लिए 1v3 यहाँ पे आगे बढ़ते हुए निकालेंगे, रिकॉइल यहाँ पे होता हुआ, इस बार एक शॉट कनेक्ट हुआ है, और बादल का ट्रिपल भाई 16 फिनिश, क्या बात है। और गाइस बादल के चैनल को ना सर्च करके जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई, एनजी बादल से मिल जाएगा 40 के सब्सक्राइबर्स, जिसने भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई, बंदे ने धमाका करके रखा है। 7-6 यहाँ पे इसको, एनजी का भी कमबैक आता हुआ बैक टू बैक राउंड्स में, देखने वाली बात रहेगी क्या है इस 8-6 से फिनिश करेंगे या फिर मीना सबर की टीम यहाँ पे कमबैक करेगी। प्लेयर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बादल बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड है, इनको थोड़ा आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, बादल इधर से रस लगाएंगे, बैट बैक के जा रहे हैं बादल, एक प्लेयर को देख भी लिया है भाई, बादल ने मारा है, बादल को पीछे से पड़ी है, क्या हुआ ये। बट दोनों ही टीम से दो दो प्लेयर यहाँ पे नॉक है। ओके गाइस 2v2 और आई थिंक 2v2 या फिर 2v3 अब यहां पे हो चुका है, इधर से बचे हैं तूफान और बादल, सामने हैं एमेडन वाइट और यहां पे साइब्लस। ओके लेट्स सी हियर वी गो, और आई थिंक मुझे लग रहा है प्लेयर्स यहां पे नीचे हैं, और भाई पता नहीं चला भाई दूसरी तरफ थे, 11 फिनिश ऑलरेडी यहां पे निकाल चुके हैं, और इसी के साथ फिनिश करते हुए इस गेम को क्या इस राउंड को 7-all, और अब एक लास्ट राउंड बचा है यहां पे, कि लेट्स गो लास्ट राउंड यहां पे। और गाइस एक चेंज भी हुआ है, पहले था कि मोरो खेलेगा, बट अब मोरो की बात की जाए तो मोरो की जगह एमेटन यहां पे आ गया है, बादल 17 फिनिश यहां पे निकाल चुके हैं, लेट्स सी हियर वी गो 17 फिनिश, प्लेयर क्लोज में है जरूर, लास्ट राउंड है, क्या होगा, इधर से भी फुल रश यहां पे आ रहा है। पुनेंट्स की बात की जाए कि अपोनेंट बिल्कुल वो भी क्लोज में, क्या होगा साइब्लस यहां पे नॉक, व्हाइट ट्रिपल फोर और विंसेंट दो भी नॉक, एमेटन भी नॉक, लास्ट प्लेयर बचे हैं अब यहां पे व्हाइट ट्रिपल फोर के, कनेक्शन यहां पे हुआ जरूर है, स्पीड तो यहां पे जबरदस्त है, बट इंडियन लेजेंड्स यहां पे इस गेम में बाजी मारते हुए, और मैच की बात की जाए यार बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे मैच हुआ है, टोटल 3 मैचेस हुए हैं, आप बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा 2 मैचेस में, तो भाई तुम्हें भी पता है हमें भी पता है कि सब फेयर खेले हैं, और तीसरे मैच में तो खैर उसकी बात स्ट्रीम वगैरह पर करेंगे, उधर ही एक्सप्लेन करेंगे, आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना गाइस, बाय बाय।